कई संत एक बात सुनाते हैं, दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, धर्मचंद और करमचंद, रियल ब्रदर थे लेकिन स्वभाव उल्टा था। एक परम वैष्णव था और एक की संगति खराब थी, शराब पीनी, जुआ खेलना इत्यादि जितनी संगत थी। और जो धर्मचंद था उसे तुम्हारा संतों से बड़ा लगाव था, कोई संत देखता था संत को घर ही ले आते थे, आओ महाराज घर चले, ये सेवा करता है, पूजा पाठ करता है, गंगा जल अर्पण करता है, पुष्प चढ़ाए, भोजन बनाए और बड़ी रुचि से साधु की सेवा करता है। लेकिन करमचंद का स्वभाव, वो गाली देता है, वो बर्दाश्त नहीं करता, देखकर संत को देखती महाराज खींचड़ जाती है और फिर संतों के सामने शुरू। अब धर्मचंद को कई बार डर भी लगता है, मैं महात्मा को घर तो लेकर आता हूँ लेकिन इसका स्वभाव ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा, ये देखते गाली देखते। और धर्मचंद जी महाराज वो कोई संत दिखे से, तो एक बार क्या हुआ कि कुछ संतों की टोली जा रही थी वृंदावन की ओर, तो दर्शन हुआ धर्मचंद को, तो प्रार्थना की, बोले महाराज थोड़ी कृपा कर दो, अब मेरे घर चलिए थोड़ी सेवा हो जाएगी। अब संतों को लेकर आया, लेकर आया तो सेवा करने के लिए तो ऊपर खड़ा था करमचंद, ये तो बड़ी सेवा भाव से लेकर आया, और करमचंद ने देखा तो ऊपर से गाली शुरू। अब गाली, अब संतों ने पूछा भैया ये कौन है, बोले महाराज भाई है मेरा, थोड़ी संगति खराब होगी इसलिए इसका स्वभाव थोड़ा बिगड़ गया है, आप आए हैं थोड़ा उद्धार कर दो। संत महात्माओं की चरण श्रेणी उद्धार करती है, और संत तो महाराज किसी से को गुस्सा नहीं, को कुछ नहीं, संत तो हृदय नवनीत समाना, कोई गाली दे कोई सम्मान करे, अगर संत है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए मान और अपमान एक ही है, वो उस स्थिति से ऊपर उठना चाहिए। अगर संत है तो क्या फर्क पड़ता है, कभी कोई पुष्पों के हार पहनाए, कभी कोई गाली की हार दे दे, कोई फर्क नहीं है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए अगर अंतर में संत प्रवृत्ति है। भक्ति का ये तो लक्षण है, भक्ति जैसे आपके चित्त में प्रविष्ट करती है, प्रविष्ट करते ही वो आपको कोमल कर देती है, वो आपको निर्मल कर देती है, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तो धर्मचंद ने कहा महाराज आप आए हैं साधु हैं, आपका तो आशीर्वाद ही काफी है, तो थोड़ा कृपा कर देना, इसको भी सदगति मिल जाए, इसकी बुद्धि भी सुधर जाए थोड़ी सी। वो ऊपर गाली दे रहा है, वो ऊपर से गाली दे रहा है, और धर्मचंद प्रार्थना कर रहे हैं बाबा बुरा मत मानिएगा। अब संत कहां बुरा मानते हैं, बोले क्या चाहते हो आप, बोले थोड़ी इसको बुद्धि मिले, तुम अंदर बैठो ये मेरा काम है, मैं जाता हूं ऊपर। और संत भी थोड़े जबरदस्त थे महाराज, गए ऊपर, गाली दे के अंदर चला गया, द्वार बंद कर लिया करमचंद ने। बाबा ने जाकर द्वार खटखटाया, उसने सोचा भाई आया, धर्मचंद आया होगा, द्वार खोला तो सामने बाबा अंदर लपके पकड़ दिया जाके, बोले और दम बहुत ज्यादा था बाबा के, मारे संतों में बड़ा दम होता है, बोले देख छोड़ूंगा तुझे बाद में, पहले राम बोल। अब वो तो कोई बोला नहीं, गाली तो जानता है राम नहीं जानता, बोले राम नहीं बोलेगा और तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, और सोच ले तेरी हालत जो मैं करूंगा यहाँ पर, पकड़ दिया जाके महाराज बोल राम। अब पहले तो बड़ा जोर लगा एक गाली दे, अब बोले छोड़ूंगा नहीं और एक भी बंदा नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए, तुझे बोल रहा हूँ और सोच ले, और तुझ में इतनी ताकत नहीं कि तू मेरा सामना कर पाए, बोल राम। अब वो सोचा बोले जान तो छुड़ाऊं, तो जैसे तैसे राम बोला, एक बार फिर बोल राम। अब डर के मारे दो चार बार राम बोल दिया, हाँ ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, तूने जीवन में पहली बार राम बोला है और इसकी कीमत क्या है तू भी नहीं जानता, इसकी कीमत क्या है तू भी नहीं जानता, कोई समय आएगा तो जब खबर लगेगी जो तूने आज राम कहा है इसकी कीमत क्या है। हमारा संतों के शब्द है, गुरु का शब्द न मेटे कोए, गुरु नानक नानक हर सोए। संतों के मुखारविंद से शब्द निकल गए, आशीर्वाद निकल गया, राम उच्चारण हो गया किसी स्थिति में से। प्रभुपाद जी तो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप प्रभु का नाम जपिए किसी स्थिति में जपिए, आप रोकर जपिए, हंसकर जपिए, उपहास में जपिए, किसी का व्यंग करने के लिए जपिए, खुशी में जपिए, आनंद में जपिए, प्रेम से जपिए, आपकी रचना पर नाम आना चाहिए। नाम आएगा तो नाम आपका कल्याण ही करेगा, ये निश्चित है, वो नाम आपका कल्याण ही करेगा। तो जैसे तैसे संत ने जपा दिया राम राम, और संत चले गए। और कहते फिर कहानी कहती घटना घटी, कुछ समय के बाद इस करमचंद की मृत्यु होगी, बहुत रोग हुआ बड़ा जबरदस्त, जिस पोजीशन के अंदर था मृत्यु हुई, तो जीव आत्मा गई, अब कहां गई, धर्मराज के पास।
उथे अमलां दे होणगे नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछणी। और वहां का एक नियम है, कोई बहुत पाप आत्मा जीव आत्मा आती है तो पहले उसके जो कुछ अच्छे कर्म किए हैं उसका थोड़ा हिसाब होता है, और कोई पुण्य आत्मा आती है जिसने जीवन भर बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो धर्मराज सबसे पहले उसे बोलते हैं आप पहले पापों का भोग कर लीजिए, जो थोड़े बहुत पाप आपके हैं उसका भोग कर लीजिए, आपका पुण्य बहुत ज्यादा है, आपके जीवन की सहजता बहुत ज्यादा है, आपको परम फल मिलेगा। लेकिन जो पाप आत्मा जाती है उसका हिसाब उल्टा होता है, बोले इसका निकालो जरा, बोले प्रभु इसके जीवन में पाप ही पाप है, संतों के प्रति अपराध बहुत ज्यादा है, बोले कुछ हिसाब किताब फिर भी चेक कर लो कुछ हो, और वहां बहुत लंबा समय नहीं लगता, कुछ सेकंड के अंदर सारा हिसाब हो जाता है, बोले कोई और हिसाब किताब होगा आप विचार करो। तो उन्होंने कहा हिसाब किताब तो ऐसा महाराज, हिसाब किताब कैसा है? बोले हिसाब किताब कुछ ऐसा है, इसके जीवन में मात्र कुछ क्षण ऐसे हैं जब इसने राम जपा है, जब इसने राम जपा है। महाराज उसकी गणना क्या होगी कोई नहीं जानता, राम राम ही सिमर मन, राम राम हरे राम, राम राम ही जप मन, राम राम श्री राम। बोले इसने केवल जिंदगी में कुछ क्षण ऐसे हैं राम जपा, राम जपा, और फिर हिसाब किताब हुआ। एक करमचंद सुन, तेरे जीवन का पाप बहुत ज्यादा है, पर तूने जो ये दो चार बार राम जपा ना, तो पहले इसका फल भोग ले, जो इसका फल बनता है ना पहले वो ले ले। तो करमचंद को साधु की बात याद आई, पूछा अच्छा बाबा एक बात बताइए, राम नाम की कीमत क्या है? धर्मराज से पूछते हैं राम नाम की कीमत क्या है? धर्मराज ने कहा हमारा राम नाम की कीमत, महिमा तो मैंने सुनी है पर राम नाम की कीमत है मैं नहीं जानता। तो बोले पहले आप मुझे कीमत बताइए उसके बाद फिर फल की बात करते, पाप वाली तो बात की है वो आप कर लेना, अभी आपने कहा पहले जो राम नाम उच्चारण किया उसका फल मिलेगा, पहले कीमत बताइए। साधु ने कहा था वक्त आएगा तो कीमत पहले पूछना, तो जानेगा इसकी कीमत क्या है, पहले आप कीमत बताइए। अब धर्मराज के हाथ खड़े हैं, महाराज ये तो इंद्र बता सकते हैं, वो महिमा गुणगान करते हैं, तो इंद्र को बुलाया जाए। इंद्र आए महाराज, अब करमचंद देख रहे अच्छा ये इंद्र है, तो यमराज ने कहा, धर्मराज ने कहा महाराज थोड़ी सी दुविधा हो गई है, ये व्यक्ति पाप आत्मा है लेकिन दो बार इसने राम नाम का उच्चारण किया है और ये राम शब्द की कीमत पूछता है, आप बताएंगे थोड़ा? इंद्र ने कहा महाराज ये हमें समर्थता नहीं है कि राम नाम की हम कीमत बताएं, ये तो भगवत वाणी है और महिमा तो हमने बहुत सुनी है, महिमा बहुत बार सुनी है लेकिन राम नाम की कीमत क्या हम नहीं जानते, ये हमें नहीं पता। बोले फिर कौन बताएगा? बोले ब्रह्मा बता सकते हैं, ब्रह्मा यहाँ नहीं आएंगे, हमें ब्रह्मा के पास चलना पड़ेगा। तो निकलने लगे तो अब इसको भी लेके जीवात्मा को, अरे तू भी चल। बोले हम यूं ना जाएंगे, थोड़ी पालकी लेकर आइए उसमें बैठ कर जाएंगे। महाराज लेकर जाना था पालकी बनी, पालकी में करमचंद को बिठाया गया जीवात्मा को और उसे लेकर जा रहे हैं इंद्र साथ में धर्मराज साथ में, और कहां पहुंचे? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा ने कहा ये किसे सजा कर लेकर आया, ये कौन से धर्मात्मा व्यक्ति है जिसको बड़ी सजा कर पालकी में आप ब्रह्मलोक में लेकर आए? धर्मराज ने कहा महाराज ये धर्मात्मा नहीं है पापात्मा है, जीवन भर इसने पाप किए, बस दो बार जो राम शब्द कहा ना संत के कृपा से ये कीमत पूछता है, हम तो कीमत जानने आए हैं। ब्रह्मा ने कहा राम नाम की कीमत ये तो महादेव बता सकते हैं, महादेव के पास चले। चलो पालकी में सजा हुआ महाराज करमचंद उस्ताद जी और ब्रह्मा इंद्र धर्मराज कहां पहुंचे? महादेव के पास। बोले बाबा ने कहा ये सब क्या, और पालकी में महाराज ऐसे ऐसे सब वर्णन किया, तो थोड़ा राम नाम की कीमत सुनाई। महादेव ने कहा राम नाम की कीमत? बोले हमने महिमा गान तो बहुत की है, काशी के अंदर भी जो जीव आत्मा मरती है उसको हम राम नाम देकर मुक्त कर देते हैं, राम कथा हमने बहुत कही है, राम जी की महिमा बहुत है,
और अनेकों अनेकों बार हमने बार बार गाई है, संतों के मुख से सुनी भी है, लेकिन राम नाम की कीमत तो हम भी नहीं जानते। बोले फिर क्या करें? बोले ये तो फिर राम जी से पूछते हैं, साकेत धाम चले, साकेत धाम चलते हैं। तो फिर जीवात्मा को महादेव ब्रह्मा इंद्र धर्मराज लेकर कहां पहुंचे? साकेत धाम में, जहां रघुनाथ जी विराजमान है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। रघुनाथ जी के सन्मुख आए, राम जी के पास खड़े, और जैसे करमचंद निकला बाहर, महाराज रघुनाथ जी का दर्शन कर रहा है। ये राम है। प्रभु एक समस्या उत्पन्न हो गई है क्या? बोले ये व्यक्ति पाप आत्मा है जो पाप किया है, और आज ये राम नाम की कीमत जानना चाहता है। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। वह राम नाम की कीमत? बोले राम नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जानता। रघुनाथ स्वयं भी क्या कीमत बताए, लेकिन इसका फल क्या है ये तुम देख रहे हो। जीवन भर पाप करने वाला केवल दो बार राम कहकर मेरे सन्मुख खड़ा है। उसे इंद्र का दर्शन हुआ, ब्रह्मा का दर्शन हुआ, महादेव का दर्शन किया। बड़े बड़े सिद्ध जन, योगी जन, जिसको दिन रात समाधि लगाकर भी एक क्षण देख नहीं पाते हैं, और यही व्यक्ति मेरे पास मेरे करीब खड़ा है, तो इससे अधिक राम नाम की महिमा क्या होगी? मात्र दो बार। लेकिन राम नाम से ज्यादा महिमा किसकी है? सदगुरु की है, किसी संत की है। संत की ऐसी कृपा हुई, मात्र दो बार नाम उच्चारण जबरदस्ती करवाया। बोल रोपणाज करमचंद, प्रभु देख लिया, जीवन भर पाप किया, लेकिन एक संत ने आकर जो दो बार मुखारविंद से राम शब्द कहलाया ना, ये सबका दर्शन जो बड़े बड़े सिद्धजन नहीं करते हैं। मैं पापी आपके करीब बैठा हूं, सच कहते हैं सब। आप पतित पावन है, आप अतितों को भी पावन करने वाले हैं। रघुनाथ जी आपका नाम तो हर चित्त को पवित्र कर देता है। आज आपका सानिध्य, आपका दर्शन हो रहा है, किस लिए? मात्र राम नाम उच्चारण करके। लेकिन उसके पीछे कौन है? उसके पीछे संत है, उसके पीछे सदगुरु है। अगर संत ना आते तो फिर कल्याण ना हो पाता। जो उन्होंने कृपा की, जो करुणा की, ये राम नाम की महिमा है।